लश्कर बोनाल उत्सव बड़ी ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देवी माता के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की कतार लग रही। मुख्यमंत्री केसीआर ने अपने परिवार के साथ उज्जयिनी महाकाली मंदिर में देवी माता को रेशम वस्त्र समर्पित किए। लश्कर बोनालू बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देवी माता के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की कतार लग रही। मुख्यमंत्री केसीआर ने अपने परिवार के साथ उज्जयिनी देवी महाकाली को रेशम के कपड़े समर्पित किए। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष इटेला राजेंद्र ने पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर से मुलाकात की। उन्होंने कहा, चंद्रशेखर बहुत कम उम्र में विधायक बने थे। चंद्रशेखर 3 बार मंत्री रह चुके हैं और एक अनुभवी नेता हैं। इटेला ने कहा, उन्होंने तेलंगाना आंदोलन में साथ मिलकर काम किया है। बीजेपी ABC और D वर्गीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कर्नाटक में वादा किया है, वे नेतृत्व से बातचीत करेंगे। वे तेलंगाना में भी वर्गीकरण के लिए काम करेंगे और उनका एक साझा एजेंडा है। वे KCR को हटाने के लिए मिलकर काम करेंगे। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर से उनकी चर्चा हुई। पार्टी अच्छी हो, उन्होंने तेलंगाना आंदोलन में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और संघर्ष करके राज्य हासिल किया और उन्हें चर्चा की, तेलंगाना में सुधार होना चाहिए। मुख्यमंत्री KCR ने मशहूर गायक साईचंद के चित्रपट पर पुष्पापन श्रद्धांजलि दी। CM KCR ने हैदराबाद के हस्तिनापुरम स्थित GSR कन्वेंशन हॉल में आयोजित साईचंद के दशकर्म समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री KCR ने मशहूर गायक साईचंद को दी श्रद्धांजलि। साईचंद के चित्रपट पर माल्यार्पण किया गया, पुष्प वर्षा की गई और पुष्पांजलि दी गई। साईचंद के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की गई। इस कार्यक्रम में मंत्री श्रीनिवास गौड़, मोहम्मद अली, सबिता इंदिरा रेड्डी, गंगुला कमलाकर, निरंजन रेड्डी, सरकारी सचेतक बालका सुमन, सांसद और विधायक शामिल हुए। MLC कविता का कहना है, उनका पूरा परिवार ब्राह्मणों की बातों पर विश्वास करता है। सर्वनगर स्टेडियम में ब्राह्मण गर्जना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में MLC कविता, LB नगर विधायक सुधीर रेड्डी, श्री श्री सच्चिदानंद सत्यानंद स्वामी शामिल हुए। उन्होंने कहा, BRS जहां भी संभव होगा ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट देगा। कविता ने ब्राह्मण से आने वाले दिनों में BRS पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए कहा है। कविता ने याद दिलाया, राज्य सरकार पुजारियों को वेतन दे रही है, धूप दीप के लिए धन खर्चा किया जा रहा है और 2,240 करोड़ के धन से मंदिरों का विकास किया जा रहा है। मंदिरों परिसर के रखरखाव हेतु हर साल पैसा दिया जाता है। कहा गया, सरकार गरीब ब्राह्मण छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 20 लाख तक की आर्थिक सहायता दे रही है। विधायक सुधीर रेड्डी ने कहा, CM KCR मंदिरों में बिना किसी कार्यक्रम को तोड़े फंड दे रहे हैं। साथ ही कहा, ब्राह्मणों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम में BRS, BJP, कांग्रेस और TDP के प्रतिनिधि मौजूद थे। तेलंगाना में मानसून के आगमन में देरी का हैदराबाद और राज्य के अन्य जिलों में टमाटर और अन्य सब्जियों की कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। यहाँ तक कि सरकार द्वारा स्थापित रायतू बाजार, जिसका उद्देश्य जनता को बढ़ती कीमत से राहत प्रदान करना है, वह भी स्थिति पर अंकुश लगाने असमर्थ रहे। विशेष चिंता का विषय टमाटर की अत्यधिक कीमतें हैं, जो हैदराबाद और कई जिलों में आश्चर्यजनक रूप से 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। हाल ही में खुदरा बाजार में टमाटर 80 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा था, लेकिन अचानक 20 रुपये की तेज बढ़ोतरी देखी गई। आमतौर पर टमाटर की कीमत 20 रुपए से 40 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच होती है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में कीमतें लगातार बढ़ रही है। पिछले सप्ताह टमाटर 50 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा था। टमाटर की कीमतों में इस अभूतपूर्व वृद्धि का श्रेय स्थानीय खेती में कमी के साथ साथ बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के प्रतिकूल प्रभावों को दिया जाता है, जिससे सब्जियों की फसल को नुकसान हुआ है। इसके अलावा भीषण गर्मी के कारण सब्जियों के उत्पादन में कमी आई है। हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य जिलों में मांग को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर और मदनापल्ली जैसे क्षेत्रों के साथ साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक के औरंगाबाद से टमाटर का परिवहन किया जा रहा है। खुदरा बाजार में हरी मिर्च की कीमत भी आसमान छू रही है और 120 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है।
अन्य सब्जियां जैसे भिंडी, विभिन्न फलियों और विभिन्न प्रकार की सब्जियों की कीमत अब 60 रुपये से 80 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच है। इसके अतिरिक्त हरे मसालों और पत्तेदार सलाद की कीमतों में भी समान वृद्धि देखी गई है। सब्जियों की बढ़ती कीमतें जनता, खासकर निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती लागत उनके दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रही है, क्योंकि वे इन अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उत्पन्न वित्तीय तनाव से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार और संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे का तुरंत समाधान करना चाहिए और सभी के लिए सस्ती और पौष्टिक उपज की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सब्जियों की कीमतों को स्थिर करने के उपाय करने चाहिए। राज्य में राज्यपाल और सरकार के बीच तकरार जारी है। हाल ही में उस्मानिया अस्पताल के औचक निरीक्षण के बाद राज्यपाल तमिलीसाई ने अस्पताल में न्यूनतम सुविधाएं न होने पर परोक्ष रूप से सरकार की आलोचना की। स्वास्थ्य मंत्री हरीश रावत ने राज्यपाल की टिप्पणियों का कड़ा जवाब दिया था। इस बीच एक बार फिर राज्यपाल तमिलीसाई ने सरकार पर निशाना साधा है। हैदराबाद में हुसैन सागर की स्वच्छता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, हुसैन सागर तेलंगाना के लिए एक उपहार की तरह है। इसकी सफाई करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हुसैन सागर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ जनता की भी है। वह चाहती है सरकार प्रदूषित हुसैन सागर को साफ करने के लिए तत्काल कार्रवाई करे। Won the awards even in the international competition, sailing competitions. But one request is, madam, it's okay. This lake should be clean. It's a gift to our state, and the cleanliness should be maintained. It is not only the duty of the army, not only the duty of the government, the public also. Because when I was talking with officers, they were telling. The lake should be clean and I appeal the government also. This lake should be clean. BJP के दक्षिण राज्यों के अध्यक्ष और महासचिवों की बैठक खत्म हो गई है। लगता है करीब 6 घंटे तक चली इस बैठक में अहम फैसले लिए गए। जेपी नड्डा ने कई राज्यों के बीजेपी अध्यक्षों की क्लास लगाई। दक्षिणी एजेंडा बनाने का निर्णय लिया गया। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 साल में किए गए कल्याणकारी योजनाएं और विकास को मैदानी स्तर तक ले जाने का निर्देश दिया है। सुझाव है राज्य सरकार की विफलताओं पर विशेष कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया राष्ट्रीय नेतृत्व उनका हर तरह से समर्थन करेगा। जो पार्टी उत्तर में मजबूत है वह दक्षिण में मजबूत क्यों नहीं है, इसके कारणों पर खास तौर पर चर्चा की गई। इस मौके पर नड्डा ने कई राज्यों के अध्यक्षों के प्रदर्शन पर अपना गुस्सा जाहिर किया। महानगरीय शहर हैदराबाद में लगभग 5 लाख सीसी कैमरे हैं। राज्य के गृह मंत्री से लेकर सिपाही एक अक्सर यही कहते हैं, शहर में जहां भी कोई छोटी मोटी घटना होती है सीसी कैमरे का उपयोग किया जाता है, लेकिन असल में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। हैदराबाद में सीसी कैमरों के ऊपर आलोचना हो रही है। हैदराबाद में इस स्थिति का कारण क्या है? फ्रेंडली पुलिसिंग के नाम पर हैदराबाद के साथ साथ राजकोंडा और साइबराबाद पुलिस आयुक्तालयों में लगभग 5 लाख सीसी कैमरे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपराध चाहे कहीं भी हो आरोपी कुछ ही घंटों में पकड़ लिए जाएंगे। ऐसे ही मामले हैं जहां पुलिस ने कई मामलों को कुछ ही घंटों में सुलझा लिया। हालांकि पिछले 15 दिनों से हैदराबाद में हो रहे हत्याएं अपहरण दुर्घटनाओं के चलते सीसी कैमरों की कार्यप्रणाली की कड़ी आलोचना हो रही है। एक तरफ हत्या, दूसरी तरफ अपहरण और दुर्घटनाओं की श्रृंखला के साथ हैदराबाद का रक्तपात बढ़ गया है।
पिछले 15 दिनों में 6 हत्याओं से हैदराबाद में सनसनी फैल गई है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में 3 हत्या, साइबराबाद में 3 हत्या और राजकोंडा में अपहरण की घटनाओं से हड़कंप मच गया है। हयातनगर में परचून की दुकान पर जा रही 4 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में विजुअल में आरोपी कैद हो गए हैं, लेकिन पुलिस आरोपियों की कई पता नहीं लगा पाई है। घटकेसर में एक और अपहरण की घटना भी ऐसी ही है। कृष्णा वेनी नाम की 4 साल की बच्ची का एक आदमी ने तब अपहरण कर लिया जब वह बाहर खेल रही थी और सीसीटीवी ने इसे रिकॉर्ड कर लिया। बच्ची रात 8 बजे गायब हुई, लेकिन सुबह 11 बजे तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। हजारों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद भी शहर पुलिस अपहरण के बाद आरोपियों की गतिविधियों का पता नहीं लगा सकी। आखिरकार रेलवे पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध रूप से घूम रहे सुरेश नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जिससे कृष्णावेणी नामक बच्ची के अपहरण के मामले का सुखद अंत हो गया है। हैदराबाद में पिछले 15 दिनों से हो रही हत्याओं और अपहरण का सिलसिला चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ महिलाओं में तो पुलिस की सीसीटीवी कैमरों के भरोसे ही मामलों की जांच कर रही है। मानवीय बुद्धिमत्ता को उचित प्राथमिकता नहीं दी जा रही है और जांच में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन निगरानी के अभाव में वे काम नहीं कर रहे, जिससे कुछ मामलों में पुलिस को परेशानी हो रही है। मंत्री केटिया ने एक बार फिर ट्विटर पर अपने ही अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है। उन्होंने कहा, पिछले उपचुनाव में बीजेपी ने जमकर पैसा खर्च किया था। उन्होंने याद दिलाया, बीजेपी विधायक ने खुलेआम कहा था उपचुनाव में 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। केटिया ने सवाल किया, जब बीजेपी विधायक खुलेआम बोल रहे हैं तो सीबीआई, ईडी और आईटी क्या कर रहे हैं? मंत्री केटिया ने पूछा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के तौर पर ईडी और आईटी की छापेमारी क्यों की नहीं जा सक रही है? अब वे संगठन कहाँ हैं? क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर बीजेपी को कोई नोटिस जारी किया जाएगा या जांच नहीं की जाएगी? मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी ने रंगारेड्डी जिला का महेश्वर मंडल में बोनाल उत्सव में भाग लिया। मां काली मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। मंत्री सविता बोडराई जो आषाढ़ महादेवी माता उत्सव में मुख्य अतिथि थी, उन्होंने नारियल फोड़कर देवी माता मंदिर में विशेष पूजा की। इस मौके पर मंत्री ने कहा, उन्होंने देवी से प्रार्थना की है कि तेलंगाना राज्य के सभी लोगों का कल्याण हो। राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के शमशाबाद के आरबी नगर और मथुरा नगर इलाके में बोनाल उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य बुक्का वेणुगोपाल ने देवी के दर्शन किए और विशेष पूजा की। बोनाल उत्सव में पहुंचे भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य बुक्का वेणुगोपाल ने कहा, वो कामना करते हैं राज्य के सभी लोग खुशियों से भरे रहे। उन्होंने लोगों को आषाढ़ बोनालू त्यौहार की बधाई दी है। इससे पहले स्थानीय नेताओं ने बुक्का वेणुगोपाल का स्वागत किया। हैदराबाद शहर में फ्लाईओवर, आरओबी, आरयूबी, सड़कें, नहरों का विस्तार, लिंक रोड जैसे विकास कार्यों के लिए जमीन और संपत्ति हासिल करने में वर्षों लग जाते हैं। यह सब सामान्य अवस्था में था। वर्ष 2017 में मंत्री केटीआर द्वारा लाई गई टीडीआर नीति पर अभी भी काम किया जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और संपत्ति अधिग्रहण के लिए नकद मुआवजे के बदले ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स शुरू की गई। अब तक जीएचएमसी द्वारा जारी किए गए टीडीआर प्रमाण पत्र 1923 से चले आ रहे हैं। इसमें 812 एकड़ भूमि एकत्रित की गई है। जीएचएमसी ने रिकॉर्ड स्तर पर टीडीआर सौंपे हैं, जो देश के किसी अन्य शहर में नहीं किया गया है। केंद्र सरकार की योजना मंत्रालय के तहत नीति आयोग ने इसी नीति को पेश करने के लिए जीएचएमसी की सराहना करी है। वर्ष 2014 में अन्नपूर्णा भोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई और केवल 5 रुपए में दोपहर 1 बजे से लोगों की भूख बुझाती है। वर्ष 2015 में शहरी पेयजल के लिए कृष्ण जल व्यपर्तन योजना का तीसरा चरण आरंभ, गोदावरी जल व्यपर्तन योजना का प्रथम चरण शुरू हुआ, सड़क विकास कार्यक्रम SRDP का शुभारंभ किया गया, डबल बेडरूम घरों का निर्माण कार्य शुरू हो गया, साथ ही तेलंगाना में हरित हरम शुरू हुआ। वर्ष 2017 में मल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट और हैदराबाद मेट्रो रेल आउटर रिंग रोड मुसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 2018 बस्ती अस्पताल आपदा प्रतिक्रिया प्रवर्तन आरंभ, वर्ष 2019 में व्यापक सड़क प्रबंधन कार्यक्रम CRMP का शुभारंभ, मिसिंग लिंक सड़कों का शुभारंभ, SRDP से पहले के रूप में 7 परियोजनाओं का शुभारंभ। वर्ष 2020 में 20 KL मुफ्त जल आपूर्ति कार्यक्रम, पूरे विस्तार के लिए भारी हिस्से का विद्युतीकरण, मॉडल सड़क गलियारे SRDP के हिस्से के रूप में 3 परियोजनाएं शुरू करी गई, शहरी विकास मुजमजाही मार्केट का पुनरुद्वार किया गया। वर्ष 2021 में कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्रों का उद्घाटन, कोकापेटा न्यू पोलिस की पहली किश्त के लाभी रणनीतिक नहर विकास कार्यक्रम,
एसएनडीपी का शुभारंभ, एसआरडीपी के हिस्से के रूप में 9 परियोजनाओं का शुभारंभ, बाटासिंगा राम लॉजिस्टिक्स पार्क का शुभारंभ, वर्ष 2022 में एयरपोर्ट मेट्रो परियोजना का शिलान्यास, एसआरडीपी के हिस्से में रूप में 6 परियोजनाओं का शुभारंभ, एआईपीएच द्वारा हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार, उस्माना सागर में लैंडस्केप पार्क और वर्ष 2023 में शंकुशाला ईटेक परियोजना, बाहरी विस्तारित क्षेत्रों में जल आपूर्ति नेटवर्क, हैदराबाद में 31 सीवेज उपचार संयंत्रों के माध्यम से 100% शुद्धिकरण, डुंडिगल अपशिष्ट से ऊर्जा 15 मेगावाट परियोजना, एसआरडीपी के हिस्से के रूप में 6 परियोजनाओं की शुरुआत, बाहरी के साथ सोलर रूफ टॉप साइकिल ट्रैक ऊपर मेहदीपट्टनम स्काई वॉक आउटर रिंग रोड टीवीटी एक ग्रांड पिक्स होस्टिंग। वर्ष 2002 में हैदराबाद में 100% सीवेज शुद्धिकरण, जवाहर नगर अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र दूसरा चरण कुल 48 मेगावाट, संयुक्त आंध्र प्रदेश शासनकाल में बाजार गायब हो चुकी मार्केट को ऐतिहासिक मार्केट को तेलंगाना सरकार ने फिर से जीवित कर दिया। उसी के तहत मोज मचाही मार्केट और लाट बाजार का नवीनीकरण किया। यह मार्केट पर्यटकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक है। एचएमडीए ने 38 करोड़ रुपए की लागत से टैंक बंड का सौंदर्यीकरण किया है। टैंक बंड हैदराबाद सिकंदराबाद नगर द्वय को जोड़ती है। इसी तरह हुसैन सागर में देश का सबसे बड़ा म्यूजिकल फ्लोटिंग फाउंटेन स्थापित किया गया। यह पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षक हो गया है। तेलंगाना सरकार द्वारा हर साल बड़ी प्रतिष्ठा के साथ तेलंगाना के लिए हरिधर्म कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी के रूप में शहरी क्षेत्रों में उद्यान स्थापित किए गए हैं। शहरी वन, शहरी प्रकृति, सड़कों के किनारे एवेन्यू, वृक्षारोपण, शहर के पार्क और छत उद्यान बड़े पैमाने पर स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2022 में हैदराबाद शहर को दक्षिण कोरिया में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स कार्यक्रम में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड मिला। वर्ष 2023 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट से वन विस्तारित करने का पुरस्कार जीता है। देश में 7 से अधिक स्कोर करने वाला तेलंगाना एकमात्र राज्य बन गया। एचएमडीए के तहत 14 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। कुल 2735 नर्सरी स्थापित की गई है और 5926 हेक्टेयर में वन बनाए गए हैं। इसी के लिए कुल 754 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वार्षिक वर्ष 2023-2024 के लिए 6 करोड़ पौधों की खेती के लिए 700 नर्सरी और 1854 हेक्टेयर शहरी वनों की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। जीएचएमसी के तहत कुल 7 करोड़ पौधे उगाने के लिए 1976 नर्सरी स्थापित की गई है। 1016 किलोमीटर एवेन्यू वृक्षारोपण किया गया और 127 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तेलंगाना सरकार ने भूजल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। सीढ़ीदार कुओं का जीर्णोद्धार किया और ऐतिहासिक संपदा को संरक्षित किया है। जीएचएमसी और एचएमडीए ने संयुक्त रूप से पुराने कुओं का विकास किया। इसके तहत बंसीलाल पिट, स्टेपवेल, बापूघाट, सिद्धिदार कुआ, शिवबा, काबोरा, काबोरा हाउस, भगवान दास, आनंद कॉलोनी, कच्ची बावली, आमची मेमोरियम, स्वर्ण साई बाबा मंदिर, विक्टोरिया मेमोरियल और बुद्ध भवन, कुतुबशाही मकबरा, गोलगोंडा आदि कुओं का विकसित किया गया। प्रधानमंत्री ने बंसीलाल पेट कुएं के जीर्णोद्धार के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करी है। ऐसी परियोजना ने जल स्रोत के रूप में राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। इसी के अलावा इसे सस्टेनेबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर बिग फाइव कंस्ट्रक्शन इंपैक्ट अवार्ड प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ग्रेटर हैदराबाद के आसपास बनी 158 किलोमीटर लंबी भारी रिंग रोड परियोजना को 10 साल के लिए लीज पर दिया गया है। इससे एचएमटी के 5,7380 करोड़ रुपए आ जाएंगे। देश में पहली बार फॉर्मूला रेस का आयोजन हैदराबाद में किया गया। 11 फरवरी 2023 को तेलंगाना सरकार ने शहर के मध्य में हुसैन सागर तटीय क्षेत्र में 2.8 किलोमीटर लंबे रेसिंग ट्रैक पर प्रतियोगिता का आयोजन किया। हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट में आयोजित फॉर्मूला ई इलेक्ट्रॉनिक कार रेस ने शहर की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। शहरी क्षेत्रों में शहरी वन ब्लॉक स्थापित किए गए हैं। एचएमडीए के तहत 14,643 एकड़ में 16 शहरी वन पार्क स्थापित किए गए हैं और इसी उद्देश्य के लिए 116.63 करोड़ रुपए खर्च करे गए हैं। जीएचएमसी के तहत 17.75 करोड़ रुपए की लागत से 1,471 एकड़ का सुरारम मादनागुड़ा और नादरगुल क्षेत्रों में 3 शहरी वन पार्क स्थापित किए गए। हैदराबाद मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 93 लाख रुपए की लागत से कोलूर और तुर्कंजल क्षेत्र में शहरी वन ब्लॉक विकसित करे हैं।
पिछले 9 सालों में शहर का जो विकास हुआ उसी गति से होगा, इसके लिए तेलंगाना सरकार ने एक योजना बनाई है। इसी हद तक रोड मैप को मंत्री केटिया द्वारा जारी रिपोर्ट में भी शामिल किया गया है। 1500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 121 किलोमीटर लंबी लगभग 50 मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण, मूसी नदी पर 545 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 14 नए पुल बनाए जा रहे हैं। इससे शहर के उत्तर दक्षिण हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। अगले 5 वर्षों में हैदराबाद में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को 33% से बढ़ाकर 75% करने की योजना जारी रहेगी।